डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। और मैं ये फास्ट पेस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे रिएक्शन कवर हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल पे गौर करते हैं। ऑक्सीजन पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। हम सब जानते हैं इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो और पैरा साइड्स पे नेगेटिव क्लाउड लाता है। मैं यहाँ पे रेजोनेंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर बता देता हूँ आपको। ऑर्थो पैरा पे साइन क्या होगा? नेगेटिव। और जाहिर सी बात है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिलेगा तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे आना पसंद करता है। इससे साबित होता है कि इट कैन ईजिली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कर सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें नाइट्रेशन। ये मैं डायरेक्ट एक रिएक्शन लिखता हूँ, देखिए इसे मैं सारे कवर करूँगा। हमारे पास देखिए जैसे यहाँ पे फिनॉल प्रेजेंट है और सबसे पहले हम इसका नाइट्रेशन करना चाहते हैं। कहते हैं अगर आपने डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन किया तो आसानी से आपके पास ये OH एक ऑर्थो पे आ सकता है और एक नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे और या नाइट्रो ग्रुप आपके पास पैरा पे आ जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को मौका ये ऑर्थो नाइट्रो या पैरा पे ही देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये अगर इसी में देखें, कहते हैं अगर हम इसमें कॉन्क HNO3 का इस्तेमाल कर लें आप, तो वैसे केस में ये हो सकता है कि कोई पोजीशन ना छोड़े OH, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का बढ़ा दिया। NO2 और NO2 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। इसे हम पिक्रिक एसिड भी जानते हैं, पॉपुलर नेम है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है ये पिक्रिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं बन सकता, बट फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल आपके पास प्रेजेंट है। अब रहा सवाल ये नाइट्रो क्या है? इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम नाइट्रेशन में देखा हमने ये डायल्यूट के साथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरा और कॉन्सेंट्रेट साथ 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो मेरे पास की कंपाउंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। होता क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट लो होती है और पैरा की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। तो ये बताना पड़ेगा आपको इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये बताना पड़ेगा आपको। बिकॉज इसमें आपस में ही बनते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्ट। इट कैन फॉर्म, अगर हम बात करते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की, ये फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है। याद रखिएगा, इनकी कम होती है, इनकी हाई होती है। तो दोनों में कंपेयर किया, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपके पास बाहर आ जाएगा बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कम है, और पैरानाइट्रोफिनॉल आपके पास उसके बाद आएंगे। इस तरह से हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं इसको, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। इसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसका हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन के लिए देखिए हम सब जानते हैं Br2 और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, बिकॉज इसकी एक्टिवेटिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, इसके पास नेगेटिव डेंसिटी अच्छा खासा होता है, तो Br2 को ये खुद ही पोलराइज कर सकता है। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई लुइस एसिड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से तो ऐसे केस में बस आपको दो पोजीशन मिलेंगे। अगर Br2 विद नॉन पोलर सॉल्वेंट है CH2 इस कंडीशन मिलेंगे, तो पोलराइजेशन करने के लिए ये फिनॉल अकेला काफ़ी है। Br2 को Br+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट आसानी से कर सकता है इससे। तो एक ऑर्थो पे आएगा और दूसरा आपके पास ये पैरा पे आ जाएगा। इस तरह से आप ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा, ये ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बना सकते हैं और ये आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल बन सकता है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप एक्सेस का मतलब 3 Br2 डाल दें, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के प्रेजेंस में, तो कहते हैं कि सारे पोजीशन पे आसानी से OH, क्योंकि OH अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है, हर एक पोजीशन पे Br आ जाएगा। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बना सकते हैं। इस तरह से हैलोजिनेशन करना आसान हो जाता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन मैं यही बता देता हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड कोलबेज रिएक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स की
रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। डिस्कशन ये है कि सिंपल से छोटा सा रिएक्शन है, अगर हमारे पास फिनॉल प्रेजेंट है, अगर उसे जिंक के साथ डस्ट के साथ हीट किया जाए तो क्या होगा, तो जिंक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और आपको फिनॉल का जो एच प्रेजेंट है इस कार्बन पोजिशन पर अटैक कर जाएगा, देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। तो कन्वर्जन के अंदर हम फिनॉल को जिंक में, फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं। दूसरा तरह रिएक्शन था ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, हमारे पास ये फिनॉल प्रेजेंट है, कहते हैं अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट Na2, सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन कराएंगे, इट फॉर्म्स पैराबेंजोक्विनोन। इस तरह से देखिए पैराबेंजोक्विनोन, इसका मतलब ये पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच करने में सक्सेसफुल हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, ये देखिए पहले केस में हमने देखा इट फॉर्म्स बेंजीन, दूसरा काम है आपका पैरा बेंजो क्विनोन फॉर्म हो जाता है। इस तरह से आपका रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स ख़त्म हो जाता है और तकरीबन मैंने सारे रिएक्शंस आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। हाँ, वीडियो में ज़रूर इसमें पार्ट पार्ट में नज़र आएगा, आपको सारे पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।